हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर स्टडिंग क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर फिफ्थ नेम्ड फूड हेल्थ एंड हाइजीन। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब फूड के अंदर क्या क्या होता है, दूसरा एक्सरसाइज का क्या महत्व है, रेस्ट का क्या महत्व है, डिजीजेस क्या होती हैं और हाइजीन क्या होता है। सो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या क्या आता है, मतलब हम फूड क्यों खाते हैं। फूड से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है वो न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है। और न्यूट्रिएंट्स में एक्चुअली स्पेसिफिकली जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब ह्यूमंस के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि और कुछ नहीं शुगर होता है, सेकेंड आता है फैट्स, थर्ड आता है प्रोटीन्स एंड फोर्थ इज विटामिन एंड मिनरल्स। एक एक करके देखेंगे कौन से खाने में क्या क्या चीजें होती हैं एंड लेट्स स्टार्ट इट। सो न्यूट्रिएंट्स के मैंने बारे में आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है टू वर्क इन डिफिकल्ट एनवायरमेंट्स, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ नहीं शुगर होता है। शुगर किस किस चीजों में होता है, वो होता है पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड सीरियल्स। पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड सीरियल्स, ये एग्जांपल्स याद रखना। अब कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना होता है, वो बना होता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज को जोड़ते जाएंगे तो बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे हमें कार वगैरह चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, ऐसे ही इसे ह्यूमन पेट्रोल कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, क्योंकि हम ज्यादातर रोटी खाते हैं। रोटी क्या है, वीट, वीट, और उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। सो दैट्स व्हाई। अब हम बात करेंगे फैट्स की। फैट्स क्या होता है, फैट्स इससे कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होता है कि कम होता है। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है फैट्स, बट फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी सेल्स और फैटी टिश्यूज। ये स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता, वो जल्दी एसिमिलेट हो जाता है अगर स्टोर भी होता है तो। पर फैट्स क्या होते हैं, वो स्टोर होने लग जाते हैं हमारे सेल्स में। ये किस किस चीज में होता है, ये होता है चीज, मिल्क, घी एंड नट्स। अब अगर ज्यादा मात्रा में अगर ये स्टोर हो जाए तो ये ओबेसिटी क्रिएट करता है, मतलब मोटापा। सो ये फूड रिच इन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से रिच फूड्स को एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, राइट। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ आर बॉडी। आर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू रिपेयर। रिपेयर, जैसे कोई गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसे रिपेयर किया जाता है, ऐसे ही अगर बॉडी का एक्सीडेंट हो जाए और अगर वाउंडेड है बॉडी तो उसे रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, बीन्स, पीज, नट्स, एग्स, मीट, फिश एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजों में प्रोटीन होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स बनाने के लिए प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में बाहर से इनटेक करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स को अगर हम शब्द को तोड़ेंगे तो ये होता है वाइटल अमीन्स। अमीन्स का मतलब होता है प्रोटीन ही। अमीन्स को जोड़ जोड़ के ही प्रोटीन बनता है, तो वाइटल अमीन्स मतलब आवश्यक अमीन्स, तो उन्हें ही विटामिन्स कहा जाता है। विटामिन्स एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है। सो ये डिजीजेस से फाइट करने के लिए हेल्पफुल होता है, मतलब इम्यूनिटी जनरेटर होता है। दे आर नीडेड ओनली इन स्मॉल अमाउंट। ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। सो मेनली सिक्स टाइप के विटामिन्स होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, इन सब में विटामिन्स पाया जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी पार्ट्स लाइक बोन्स, टीथ, मसल्स, ब्लड एंड नर्व्स। इन सब में मिनरल्स पाए जाते हैं। दे ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, विटामिन की तरह ये भी कम मात्रा में ही चाहिए होता है। एंड दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो रिपेयर के लिए था और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है। नाउ
वाटर एंड रफेज, इसका मैं आपको वैसे बताता हूँ, नॉर्मली कि वाटर एंड रफेज रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, पर ये न्यूट्रिटिव नहीं होता, इससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बट ये आवश्यकता होती है जैसे हाइड्रेशन के लिए और अन्य चीजों के लिए, जैसे डाइजेशन स्मूथ हो जाता है, इजी हो जाता है, लाइक दैट। नाउ एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज हमें क्यों चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रांग मसल्स एंड बोन्स, हमारे वेट को बैलेंस रखता है, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारी हार्ट की सर्कुलेशन है और जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसकी एफिशिएंसी मेंटेन रखने के लिए, और डिजीजेस से बचाव के लिए। अब हम बात करेंगे रेस्ट की, रेस्ट क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स टू रिलैक्स आवर मसल्स, वी फील रिफ्रेश्ड आफ्टर अ गुड स्लीप, प्रॉपर आवर्स ऑफ रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जाइज। एक्चुअली रेस्ट भी एक एक्सरसाइज है जो हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर रेस्ट प्रॉपर ना मिले तो आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे और आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाएगी और आप जल्दी ही थक जाएंगे। सो दैट्स व्हाई रेस्ट इज रियली इम्पॉर्टेंट। सो एक्सरसाइज और रेस्ट दोनों चीजों का मेंटेन होना चाहिए, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा रेस्ट भी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिजीजेस की। दो तरह के डिजीजेस हैं, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाली, और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि जो भी सिचुएशन है कोरोना की, तो कोरोना कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल, आप कमेंट में लिख के बताएं, राइट? अब इसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये बात बहुत जरूरी है याद करना कि कौन सी डिजीजेस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म से होती हैं। जैसे बैक्टीरिया से होता है कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफॉइड, राइट? वायरसेस से होता है पोलियो, कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, एड्स एंड कोरोना। प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया एंड डिसेंट्री, फंजाई से होता है फूड पॉइजनिंग एंड रिंगवॉर्म। सो ये डिजीजेस हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होती हैं, और ये टेबल याद करनी बहुत जरूरी है। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होता है? स्नीजिंग से। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लें, उससे कम्युनिकेट हो जाती है ये डिजीज। आप अगर इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर अगर आप खा लेते हैं तो उससे भी डिजीज हो सकती है। तो ऐसे में बचाव करने के लिए मास्क पहना जाता है और ग्लव्स पहने जाते हैं। अगर आप छींकते हैं तो वह उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे पैथोजेंस होते हैं वो हवा में ही रह जाते हैं, और जब वो हवा में रह जाते हैं तो हम इनहेल करते हैं तो उससे हमें फैल सकता है। और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो है ही, अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं और उसके हाथ पे वो पैथोजन है तो उससे भी फैल सकता है। और अलग तरह से कैसे फैल सकता है? इंसेक्ट से। कैसे? अगर आपके ब्लड में इंफेक्शन है और अगर मस्कीटो ने आपका ब्लड सक किया और वो किसी और जाके किसी और ह्यूमन पे बैठा और वो अनअफेक्टेड है तो वो भी इफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट इसका वेक्टर बन गया। वेक्टर मतलब कैरियर, कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला, राइट? तो प्रिवेंशन क्या होगी कि अपने आप को दूसरों से अलग रखें, मास्क पहन के रखें, कपड़े चेंज करते रहें, फूड कोई बाहर का ना खाएं, घर का फूड खाएं, और अच्छे से सैनिटाइज फूड हो, जो मस्कीटोज एंड जो हाउस फ्लाइज के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उनकी देखभाल करें, मतलब कहीं पे पानी इकट्ठा ना होने दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये नॉर्मल चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है दूसरी तरह की, उसके अंदर क्या क्या होता है? सो यहाँ पे देखिए आप, डेफिशिएंसी डिजीजेस की हम बात करेंगे, जिसके अंदर वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है क्योंकि वह कमी की वजह से होती है, तो ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं पहुंच सकती। सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस। ये मैं आपको ये आपको खुद पढ़ना है एक्चुअली ये वाला टेबल, क्योंकि ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है और आपको याद करनी है। मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, जिसके अंदर आपको रात को दिखना बंद हो जाता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से, इसमें भूख लगनी बंद हो जाती है। स्कर्वी मतलब आपके मस्कुड़ों से खून आने लगता है, वो होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स मतलब जो आपकी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। एनीमिया आयरन की कमी से, मतलब खून का कम होना। गोइटर गले की डिजीज होती है, यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही होगी, वो आयोडीन की कमी से होता है। सो डेफिशिएंसी डिजीजेस और न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बता दिए और सिम्टम्स, तो ये वाली चीज आप जरूर याद करें, बहुत हेल्पफुल है। हाइजीन, हाइजीन मतलब साफ सफाई। जो एनवायरनमेंट अभी चल रहा है कोरोना का, इससे ज्यादा एप्ट एनवायरनमेंट नहीं हो सकता इस चीज को समझने के लिए कि साफ सफाई किस लिए जरूरी है।
जो चीजें मैंने यहां बताई थी कि इंफेक्शियस डिजीज किस किस तरह से पहुंचती है हम तक, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, वो होता है हाइजीन, मतलब अपने आप को साफ रखना, दूसरों के कांटेक्ट में काम आना, रेगुलर बाथिंग, अपने आप को क्लीन रखना, ये सब चीजें हाइजीन में आती हैं, चाहे वो ब्रश करना हो चाहे वो नहाना हो, सब कुछ हाइजीन के अंदर आते हैं। तो उससे क्या होगा, जर्म्स नहीं होंगे, पैथोजेंस नहीं होंगे और आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। सो दिस वॉज आवर चैप्टर ऑन हाइजीन, हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड इसके अंदर बहुत कुछ है आपके याद करने का, सो आप जरूर याद करें और कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो हैव अ नाइस डे एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।